सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम आज निफ्टी के कारोबार को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आज हमें लगभग 300 पॉइंट्स का एक डिक्लाइन देखने को मिल जाता है, जबकि हम सेंसेक्स में लगभग 1000 पॉइंट्स और हम बैंक निफ्टी में भी लगभग 1000 पॉइंट्स के आसपास एक गिरावट को देख पा रहे हैं। तो इसे देखते हुए आपको मंडे को भी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे चार स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें मंडे को आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। लिस्ट में जो पहला स्टॉक है, इसमें आज हमें ट्रेडिंग आवर्स में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल जाता है और इसने आज अपने सपोर्ट लेवल के काफी नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में एक स्ट्रॉन्ग बियरिश क्रॉसओवर को जनरेट होता हुआ देख सकते हैं, जो कि हम आगे यहाँ पे एक्सटेंड होता हुआ देख पा रहे हैं। इसके वजह से अगर मंडे को मार्केट में फिर से एक डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है तो इस स्टॉक में भी आपको एक भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक का नाम है डीएलएफ लिमिटेड, जिसमें आज हम लगभग 12% से भी ज्यादा कम एक गिरावट को देख पा रहे हैं। इसने आज अपने इंट्राडे लो के जस्ट ऊपर 228.9 के लेवल्स पर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है और हमें आज इसमें लगभग 10% के आसपास एक डिलीवरी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बड़ा बेयरिश सिग्नल है। अगर हम इसका जो स्टॉक फ्यूचर लेवल से उसे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आप बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में ऑलमोस्ट 6 टाइम्स सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को देख पाएंगे। तो इसे देखते हुए आप मंडे के लिए डीएलएफ को सेल साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक है, यहां भी हमें आज ट्रेडिंग आवर्स में काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल जाता है और इसने भी अपने इंट्राडे लो के जस्ट ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हमें यहां पे इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में एक स्ट्रॉन्ग बियरिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आपको मंडे को भी स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम है आरबीएल बैंक, जिसमें आज हमें लगभग 6.38% का एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। इसके ऑर्डर बुक में हमें करंटली 14,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स सेलर साइड में देखने को मिल जाते हैं और हम करंटली इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में भी एक भारी गिरावट को देख सकते हैं। हमें यहाँ पे इसके बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में ऑलमोस्ट 6 टाइम से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसे देखते हुए आप इस स्टॉक को भी सेल साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टॉक है, इसमें भी हमें पिछले कुछ दिनों से एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन देखने को मिल जाता है और आज हमें इस स्टॉक में एक भारी गिरावट फिर से देखने को मिल रहा है। इसने कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने मेजर ईएमएल लेवल्स के काफी नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, जिसमें आज हम एक भारी डिक्लाइन को आगे एक्सटेंड होता हुआ देख पा रहे हैं। इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में हमें ये बियरिश ट्रेंड और भी ज्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम इसके एमएसीडी इंडिकेटर में एक बियरिश क्रॉसओवर को आज जनरेट होता हुआ देख पा रहे हैं। स्टॉक का नाम है एनएमडीसी, जिसमें आज हमें लगभग 10.09% का एक गिरावट देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये स्टॉक मेटल सेक्टर को बिलोंग करता है। तो इस वजह से आपको आगे भी स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसका जो स्टॉक फ्यूचर्स है उसे चेकआउट करते हैं तो यहाँ भी आपको इसके बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में ऑलमोस्ट 5 टाइम से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसके वजह से आप मंडे के लिए स्टॉक को सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे लिस्ट में जो आखिरी स्टॉक है, इसमें भी हमें ट्रेडिंग आवर्स में एक भारी डिक्लाइन देखने को मिल जाता है और इसने भी अपने मेजर ईएमएल लेवल्स और वीओएफ लेवल्स के काफी नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल है। हम इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में एक बियरिश क्रॉसओवर को अभी देख पा रहे हैं, जिस वजह से आपको मंडे को स्टॉक में फिर से एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसमें आज हम लगभग 7.2% का एक गिरावट को देख पा रहे हैं। इसने आज अपने इंट्राडे लो के जस्ट ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है
और अगर हम इसका स्टॉक फ्यूचर्स को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे भी हमें इसके बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में ऑलमोस्ट 5 times सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसे देखते हुए आप स्टॉक को भी सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। टुडे 1 February सैटरडे को यूनियन बजट की वजह से आज मार्केट ओपन थे, लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हमें आज देखने को नहीं मिलता। इसने आज एक भारी गिरावट के बाद अपने 200 डेज के ईएमए लेवल को ब्रीच करते हुए डाउनसाइड में 11,661.85 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके आरएसएल लेवल में भी एक काफी बड़ा गिरावट को देख सकते हैं, जो कि करंटली 30.13 के लेवल पे आ चुका है। तो इसे देखते हुए हमें मंडे को भी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और निफ्टी हमें इवन लोअर लेवल्स की ओर अपना मूवमेंट जारी रखता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसका जो वीकली ऑप्शन चेन डेटा है उसे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हम 6 February के एक्सपायरी के लिए यहाँ पे इसके पुट साइड में 11,600 के लेवल्स पे 2.63 lakhs 700 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं। करंटली इस लेवल पे हमें 11,26,725 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम मंडे के लिए 11,600 के लेवल्स को एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरह देख पा रहे हैं। अगर मंडे को यह लेवल टूटता है तो हम नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के तौर पे 11,500 के लेवल्स को देख सकते हैं, क्योंकि हमें इस लेवल पे लगभग 4.36 lakhs 800 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे टोटल 14,94,450 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख पा रहे हैं। तो आप मंडे के लिए 11,500 के लेवल्स को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें 11,700 के लेवल्स पे लगभग 9.23 lakhs 325 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे टोटल 29.45 lakhs 300 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख पा रहे हैं। तो अगर मार्केट में थोड़ी सी उछाल हमें देखने को मिलता है तो हमें 11,700 के लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, हम 11,600 और 11,650 के लेवल्स पे इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं, यानी कि हमें इवन लोअर लेवल्स में एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। तो ये मोस्ट लाइकली है कि हमें मंडे को मार्केट में फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आप 11,700 के लेवल्स को ही एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर करते हुए अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो आज हमें इसमें निफ्टी की तरह ही एक ट्रेंड देखने को मिल जाता है। इसने आज अपने 200 डेज के ईएमए लेवल्स को कंसिडरेबली ब्रीच करते हुए 29,820.9 के लेवल्स पर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, जो कि इसके इंट्राडे लो के जस्ट ऊपर है। अगर हम इसका जो आरएसएल लेवल है उसे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाता है और ये करंटली हमें 30.76 के लेवल पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे देखते हुए हमें मंडे को भी इसमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है और ये हमें फिर से 29,500 की ओर अपना रुख करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसका भी ऑप्शन चेन डेटा को चेकआउट करते हैं तो हम यहाँ पे 6 February के एक्सपायरी के लिए इसके पुट साइड में करंटली 29,500 के लेवल्स पे 60,060 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल पे हमें टोटल 3.23 lakhs 580 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम मंडे के लिए 29,500 के लेवल्स को ही एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इस लेवल के टूटने पे हम नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के तौर पे 29,000 के लेवल्स को देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें इस लेवल पे लगभग 4.18 lakhs 380 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें 29,800 के लेवल्स पे इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें 29,800 के स्ट्राइक पे एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम हाई लेवल्स पे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें 30,000 के क्रूशियल लेवल्स पे भी लगभग 2.18 lakhs 600 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे टोटल 2.27 lakhs 100 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख पा रहे हैं। तो हम मंडे के लिए 30,000 के क्रूशियल लेवल्स को ही एक
रेजिस्टेंस लेवल की तरह देख पा रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो स्मैश द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट ऑन सोशल मीडिया। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस आउट एनी अपडेट फ्रॉम अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।